अब बात गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ ग्वालियर में पॉलिटिकल पर्यटन के लिए गए थे। उन्होंने कहा कि लोग कह रहे थे कि कमलनाथ की आंधी है, लेकिन वो आंधी लूट और भ्रष्टाचार की आंधी थी। वो आंधी कमलनाथ की सरकार को ही ले उड़ी। दरअसल ग्वालियर में पॉलिटिकल पर्यटन के लिए वो गए थे, कहा कुछ और था किया कुछ और। बी टीम के लोग थे, कहा तो सदस्यता का था और कह रहे थे कि कमलनाथ जी की आंधी चल रही थी। आंधी ऐसी चली कि सब कुछ उड़ गया। वो आंधी अपनी सरकार कोई उड़ा ले गई, बमंडर हो गया, लांगूट बन गया वो। और पूरा का पूरा सरकार को ले गई, क्योंकि वो आंधी झूठ की आंधी थी, भ्रष्टाचार की आंधी थी। वहाँ देखने में सिर्फ यही आया कि टिकट मांगने वाले आपस में मुंह बात कर रहे थे, बाकी ग्वालियर में कुछ नहीं था। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके समय में, कांग्रेस के समय में लालटेन युग में चला गया था प्रदेश, वो कांग्रेस कह रही है चिमनी युग में चला गया था। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने संबल योजना लागू कर दी, और आपने भी देखा होगा जो बिल 200 था 100 किया, 400 का 200 किया, सब आपके सामने आ गया है। ये जो बैकलॉग है, जो लॉकडाउन के पीरियड का है, जब निर्बाध बैक लॉकडाउन के पीरियड में निर्बाध विद्युत की सप्लाई जारी रही, उन 3 महीने में बिल नहीं आया है, उसके बारे में भी कहा है कि वो समायोजित होगा। ये भी कहा है कि इस तरह का गरीब को कोई बिल नहीं भरना पड़ेगा। सारी बातें आ चुकी हैं, अब ये लोग ट्विटर और पेपर पर ही कुछ कर सकते हैं। मैं चाहूँगा, उन सब से प्रार्थना करूँगा कि एक भी झूठा हो तो मीडिया के सामने ला के रखें, किसी पे भी झूठा प्रकरण दर्ज हुआ हो। वो दरअसल कार्यकर्ताओं के लिए नहीं जा रहे, भूमाफियाओं के लिए जा रहे हैं। जिन भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करते थे, उनकी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। 2,500 बीघा सरकारी फॉरेस्ट की जमीन खुर्द बुर्द कर दी और बेच दी, ये वो मामला है जिसके लिए वो जा रहे हैं। उन लोगों के लिए जा रहे हैं जो बेसलरी का पानी लोगों को जहर बना के बेचते थे, उनके लिए वो जा रहे हैं। पर उन दोनों के बारे में भी अगर झूठा है तो ज़रूर मीडिया के सामने रख दें, हम तो उसी को सच मान लेंगे जो वो रखेंगे। ये ट्वीट ही कर सकते हैं, मैं लगातार रोज़ कह रहा हूँ। ट्वीट तो आज सिब्बल जी ने भी किया है, दोबारा ट्वीट किया है। जो पार्टी अपने अंदर का लोकतंत्र नहीं बचा सकती, वो देश के लोकतंत्र को बचाने की बात करती है। राजस्थान में उनके विधायक चले गए तो कहने लगे कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, और वापस आ गए तो लोकतंत्र का पुनर्जन्म हो गया। ऐसी तो पार्टी है, वो कभी पुनर्जन्म कर लेती है, कभी हत्या कर देती है। कोई भी यूरिया की कालाबाजारी करेगा, राशन की कालाबाजारी करेगा तो जेल ही जाएगा। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश आ गए हैं, नीचे तक निर्देश पहुंचा दिए गए हैं, और प्रशासन और शासन को ये चिंता करनी चाहिए, अगर कहीं भी कोई कालाबाजारी करता हुआ पकड़ा जाएगा तो उस क्षेत्र के थाने पर भी कार्रवाई होगी और अधिकारियों पर भी होगी। देखो, ये कोई तीसरे चौथी की परीक्षा नहीं है, इसमें पास होने वाले लोग, इन परीक्षाओं में जो नौजवान हमारा भावी भविष्य वाला आता है, वो कहीं ना कहीं जनता की भागीदारी में शामिल होता है। सरकार चलाता है, प्रशासन चलाता है, इलाज करता है। ऐसी परीक्षाएं बहुत आवश्यक हैं, अगर इसमें कोई पास अयोग्य व्यक्ति हो जाएगा तो वो जीवन से खिलवाड़ हो जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा और उसे उतना ज्ञान नहीं होगा शरीर का, तो तकलीफ जाती है। और इसलिए इसको मुद्दा, मेरे ख्याल से नौजवान के भविष्य को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक,
चंबल के भीड़ों से, नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।